अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी क्रेजी आर्मी? आए भाई, आज बहुत ज्यादा स्पेशल दिन है जिसका आपको और मुझे काफी देर से वेट था। आज है बसंत फेस्टिवल। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। इसके साथ साथ मैंने बहुत ज्यादा काइट्स रेडी की हैं, अभी आपको ऊपर चल के सारा कुछ दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे पता है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब मारो। अभी तक आधी से ज्यादा वाम यार चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखती है, ये फिर गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखा करो, ठीक है करो। तो आज ऊपर चलते हैं। आए यार, आप लोग ऊपर के नज़ारे देख सकते हो, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी सुबह का टाइम है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, शाम को क्या हाल होगा। ये फरहान आप लोग देख सकते हो, स्पेशली फरहान की शक्ल देख सकते हो, नाश्ता किए बगैर, पार्टी शार्टी किए बगैर ऊपर छत पे आ गया। वे मुँह ना दो क्या, हेलो इग्नोर इग्नोर मार रहा है। देख रहे हो फिर आजकल के छोटे छोटे बच्चे यार कैसे इग्नोर मार रहे हैं, इसको फिर पता नहीं कि मैं कितनी फेमस पर्सनालिटी हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? अब मैं आप लोग को अपनी कार्ड्स दिखाता हूँ जो मैंने खुद घर में बनाई हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये आप लोग को सामने जितनी भी कार्ड्स नजर आ रही होंगी जो मैंने खुद बनाई हैं, छोटी से लेकर यहाँ बड़ी तक। आप लोग ये वाली कार्ड्स चेक करो यार, टैडी कार्ड्स। एक दफा मैं आप लोग को पीछे से दिखाता हूँ, एकदम लेवल की बनी है ये जोड़ी। ये है मेरी सबसे बड़ी कार्ड, एक दफा नॉर्मल कार्ड के साथ इसका कंपेयर करके देखे तो आप लोग गैस करो यार कितना बड़ा साइज है ये। मुझे तो ये बच्चा लग रहा है इसके सामने, और ये इसका पापा लग रहा है। तो ये थी मेरी थोड़ी बहुत काइट्स, टेंशन आपने बिल्कुल भी लेनी, आज बस शांत है तो फुल लुटेरेबाजी होगी। हाय 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 हाय। तो ये मेरी बसंत की पहली पतंग है जो मैं उड़ाने वाला हूँ। इसको उड़ाते हैं और फिर पेचे शीचे लगा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाह की पहला गुड्डा उड़ाया और साथ ही मेरा एक वाइट गुड्डे के साथ पेचा हो गया। और ये नहीं कि हमारा पेचा पास हुआ यार, हम दोनों के गुड्डे बहुत ज्यादा दूर थे। लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इस दफा मेरे साथ मोए मोए नहीं हुआ, बल्कि आपके भाई ने जिंदगी में पहली दफा कोई गुड्डी काट दी है। आए जलवा है हमारा भाई साहब, काम अभी बहुत ज्यादा डेड हो गया। वो मैं आप लोग को सामने दिखाता हूँ कि वो सामने किले पे पुलिस खड़ी हुई है, यहाँ पे मैं जूम कर दूंगा। शायद इधर उधर ही देख रही है, इन्होंने शायद ड्रोन भी कहीं पर उड़ाया हुआ, अभी मुझे नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी देर पहले ड्रोन इन्होंने उड़ाया हुआ था। मुझे जहाँ तक शक पा रहा है कि पुलिस अब यहाँ पे जरूर आएगी, क्योंकि वो सामने आप किले पे देख सकते हो, यहाँ से पूरा सियालकोट नजर आता है। उनका पहले यही टास्क होता है कि यहाँ से देख लें, यहाँ से ड्रोन श्रोन वो उड़ाते हैं और सारा यहाँ से कैप्चर करके कौन गुड़ियाँ शुड़ियाँ उड़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, और वो फिर मोहल्ले की साइड पे आते हैं। Few moments later. मेरे जेन में ना भी एक बहुत ज्यादा क्रेजी आइडिया है कि इस तरह सादी गुड्डी उड़ाने में और सादी गुड्डी काटने में इतना मजा नहीं आ रहा। तो मेरे पास अभी यहाँ पे एक अच्छे खासे साइज का एक गुड्डा पड़ा हुआ है, तो क्या हो इसके नीचे अगर हम ये वाली लड़ी लगा दें, इर्द गिर्द वाले लोगों का क्या रिएक्शन होगा। तो जल्दी से इसके नीचे जितनी लंबी हो सकती है उतनी लंबी लड़ी लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं उड़ा के। एहे, रहा नहीं जाता भाई, मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस लंबी टेल वाली काइट को उड़ाने के लिए, क्योंकि ऐसी काइट अभी पूरे इलाके में किसी ने नहीं उड़ाई। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. अभी मैंने फरहान को पकड़ाई है, ओए तमीज तरीके से इसको उड़ाना है, इसको ज्यादा खींचे छींचे नहीं मारनी वरना इसने टूट जाना। ठीक है, समझ गया यार। आप लोग देख सकते हो क्या अलग ही लेवल है यार काइट का, वाओ। जलेबियां नहीं कर रही है। अच्छा भाई, एंड मजा आ गया इतनी लंबी टेल के साथ गुड्डा उड़ाने का। गुड्डे का वजन था ओए होए, ऐसे लग रहा था जैसे जहाज बांधा हुआ है। मजा आया। तो यार अभी टेल वाली काइट उड़ाने के बाद, ये मेरे पास छोटी मोटी काइट्स पड़ी हुई थी, अभी ये उड़ाने लगे हैं। और आप लोग एक दफ़ा अब का सीन चेक करो भाई, हर साइड पे यार सामने साइड तो आसमान कम नज़र आ रहा है, गुड़ियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है वैसे वैसे गुड़ियाँ इंक्रीज हो ही जा रही हैं। यार सुबह की मेरी सिर्फ पहली पतंग कटी है जो आपने वीडियो में देखी। यहाँ पे फरहान पूरा जैली पतंगबाज बना हुआ है, इसने ये शापर वाली उड़ाई है, ये दौड़ पे वाली।
पढ़ ले, तू भी किसी के साथ पेचा या इस तरह की सीटियां मारते रहना पूरा दिन। यार नहीं ना यार, मेरे पास एक काइट है। और कुछ नहीं होता यार, मैं मेरे पास पूरा स्टॉक पड़ा हुआ। ये मेरी काइट, वो ब्लू मेरी काइट, वो ऊपर रेड मेरी काइट, ये व्हाइट मेरी काइट, जितनी भी सामान पड़ी हुई है सारी मेरी काइटें हैं। यार मेरा छत वो टारगेट है, उसको मैंने ये बॉल वहां पर पहुंचाना, तो देखते हैं वहां पे जाता है कि नहीं जाता है। ये फराना आप लोग देख सकते हो फुल लुटेरेबाजी करते हुए। और ये मेरे पास एक फालतू काइट पड़ी हुई है, अभी तक हमने छोटे साइज की काइट्स उड़ाई हैं, अब हम उड़ाएंगे बहुत बड़े साइज की। तो ये आखिरी मेरे पास एक छोटा साइज रह गया था, ये मैं सोच रहा हूँ पीछे बच्चे बैठे हुए हैं इनको ये वाली काइट दे देते हैं। हाँ जी क्या हो रहा है? वो समोसे वमोसे खा रहे हो यार? केले केले, एक समोसा तो यार यस कराओ। मजा आया। अच्छा ये काइट किसने लेनी है? यार अब एक मेरे पास काइट है, आप लोग दो बच्चे हो। हाँ ऐसा करो मिलके उड़ा लो, चलो ये लो, लड़ना नहीं ठीक है? नहीं। अरे अब भाई यहाँ पर सही मजा आएगा, क्योंकि हमारे पास छोटी गुड्डी कोई भी नहीं है, अब जितनी भी हमारे पास रह गई है सारी की सारी बड़ी है, अब इनको उड़ाते हैं। और अब भाई बहुत शुगर मेला लगने वाला। जा जल्दी जा। अरे भाई साहब फरहान लुटेरेबाजी में कामयाब हो गया यार। ये पागल दिमाग का लड़का है, और इसे मैंने कहा है कि यहाँ पे मुझे खड़े होके दिखाओ इस बनेरे के ऊपर। और ये आप लोग देख सकते हो कितनी ऊंचाई है, दिन के टाइम आप लोगों ने मेरी छत देखी होगी यहाँ से कितनी ऊंची है। अच्छा चल खड़े होके दिखा। ये देखो, ओए ओए डिगी ना, ओए क्रेजी यार। मैं यार एक ही काम कर सकता हूँ कि दूसरे लोगों की आप लोगों को सिर्फ दिखा सकता हूँ, खुद नहीं चला सकता। तीसरी दफा इन्होंने चलाया। अच्छा तू मुझे एक बात बता, तूने सब्सक्राइब किया हुआ मुझे? यार नहीं सब्सक्राइब, ये देखो। ओए मोबाइल निकाल, सब्सक्राइब क्यों नहीं? ओए ये क्या है? ओए ये तो मोबाइल है यार मेरे पास, और मैं क्या करूँ।